गाइस क्या आपने कभी ऐसे लाइन ड्रॉ कर मल्टीप्लाई करना सीखा है जापानी तरीके से? तो आप बोलोगे यरी जापानी ट्रिक क्या होती है, जापानी ट्रिक तो पहली बार सुन रहे हैं, जापानी ऑयल तो सुना था पर जापानी ट्रिक पहली बार सुन रहे हैं। वाह क्या सीन है। हाय गाइस मैं हूं तूफान नागर, लेकर आ चुका हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। इसमें मैं सिखाने वाला हूं आपको जापानी ट्रिक से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, लाइन ड्रॉ कर कैसे स्पीड के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब रेड बटन को दबा दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस आपको क्या करना है, ये जो 1 2 लिखा हुआ है इसकी लाइन ड्रॉ करनी है। देखो कैसे करनी है, पहले आपको तिरछी लाइन 1, सबसे पहले जो 1 2 लिखा हुआ इसकी लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये आगे 1 लिखा हुआ तो 1 लाइन ड्रॉ कर दो आड़ी में, अब पीछे 2 लिखा हुआ है तो इसकी 2 लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे। इसकी 2 लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करोगे आप, 1 3 लिखा हुआ पीछे इसकी लाइन ड्रॉ करोगे, तो 1 है तो 1 की 1 लाइन आप कैसे ड्रॉ करनी, इसके ऊपर ऐसे तिरछी ड्रॉ कर दी। अब 3 है पीछे तो 3 लाइन ड्रॉ कर दो, 1 2 एंड 3। अब क्या करना है आपको, देखो ये जो लाइन जहाँ कट रही है, जहाँ जॉइंट हो कट रही है, उन पॉइंट्स को ही काउंट करना है और वो पॉइंट ही आपके फाइनल आंसर होगा, वो पॉइंट ही आपका फाइनल आंसर होगा। कैसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका फाइनल आंसर जो फीचर नंबर आएगा वो 6 आएगा। अब देखो अब क्या करना है आपको, बीच वाला नंबर के लिए इसको और इसको काउंट करना है। काउंट करो 1 और 2 3 4 और 5, तो बीच में कौन सा आंसर आएगा, 5। और लास्ट वाले का आंसर कौन सा, पहला नंबर कौन सा होगा, 1। मजा आयो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। तो गाइस मेरे पास लिखा हुआ है 2 3 और इसको मल्टीप्लाई करना है 32 से, वही पुराने वाला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले 2 लाइन ड्रॉ कर दो नीचे, कर दी इसकी 2 लाइन ड्रॉ कर दी, अब इसकी 3 लाइंस 1 2 3, अब इसकी कितनी लाइंस, 3 लाइंस कैसी टेढ़ी, 1 2 और 3। अब देखो गाइस आखिर कितनी लाइन ड्रॉ करोगे, 2, 1 और 2। अब देखो काउंट कर लो, सबसे पहले इसकी काउंट करो, 1 2 3 4 5 और 6, तो पीछे कितना आएगा, 6। अब देखना इधर, इसको और इसको काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10th 11th 12th और 13। 13 का कितना लिखोगे यहाँ पे, 3 लिखोगे, 10 से ज़्यादा आने पर यहाँ पर भी कैरी लेना है आपको, तो 13 और 1 कैरी लोगे यहाँ पर। और अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 और एक कैरी का 7, दिस इज योर फाइनल आंसर। मजा आ गया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू।